राजस्थान की भूमि से ऐसे ऐसे हीरे मिले हैं जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में अपनी करामात दिखाई है। बिरला, गोइंका, मित्तल सभी ने अपनी अपनी किस्मत राजस्थान से निकलकर अपनी मेहनत, लगन, दूरदृष्टि और जोखिम उठाने के बल पर कायम करी है। ऐसे ही एक लक्ष्मी पुत्र कस्तूर चंद का जन्म बीकानेर में 17 नवंबर 1855 को एक माहेश्वरी परिवार सदासुख जानकीदास में हुआ है। राय बहादुर अबीर चंद डागा उस महान और धनवान माहेश्वरी परिवार के वंशज हैं जिसको वरदान मिला था कि 7 पीढ़ियों तक उनकी धन संपत्ति बरकरार रहेगी अगर वे दान पुण्य का काम करते रहेंगे। जितना फैलाव हिंदुस्तान में उनकी कारोबार का है उतने ही चर्चे उनकी दरियादिली और समाज सेवा के हैं। इस डागा परिवार ने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से समझी है और अपने विशाल भंडार दरिद्रों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खोल रखे हैं। जिस पंडित ने लाभचंद नामक शिशु की जन्मपत्री बनाई है वो राय बहादुर अबीर चंद डागा के भी पंडित हैं। उसने पुत्रहीन सेठ जी को बताया है कि उस बालक के भाग्य बहुत ही तेज हैं और उसकी कुंडली में अतुल्य धन और कई संतान लिखे हैं। पुत्रोत्पत्ति में ये डागा परिवार कमजोर रह चुका है, इसलिए अबीर चंद जी गोद लेते हैं उस बच्चे को जिसका नाम अब कस्तूर चंद रखा है। ये तो वही बीकानेरी कहावत सिद्ध हुई, पूतरा पग पालने पहचाने, यानी कि पिताजी पूत के गुण पालने से ही जानते हैं। ये समृद्ध शिव भक्त परिवार राय बहादुर बंसीलाल अबीर चंद के नाम से जाना जाता है। इस नाम के अलावा मैसर्स चंद्रभान बंसीलाल अबीरचंद, मैसर्स बंसीलाल डागा और मैसर्स रामरतन डागा के नामों से कारोबार देश भर में होता है। इनकी स्थापना अबीरचंद जी के पिता बंसीलाल जी, दादा चंद्रभान जी और परदादा सहमलदास जी ने की है। बंसीलाल जी अपने समय के बड़े व्यापारी रहे हैं और अंग्रेजों से घनिष्ठ संबंध बना रखे हैं। उनकी गुडविल का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है जब उनकी अंतिम इच्छा को मान देते हुए उनका दाह संस्कार श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर किया गया। किसी वैश्य पुरुष का अंतिम संस्कार यहां होना नामुमकिन था, इसलिए सरकार ने अपनी सेना को वहां तैनात रखा ताकि कोई ब्राह्मण के विरोध से सेठ जी की अंतिम इच्छा पूरी करने में विघ्न ना आए। उनके पुत्र अबीरचंद जो 1818 में जन्मे थे उन्होंने परिवार का रुतबा और भी बढ़ाया। अफीम व्यापार का पुश्तैनी व्यवसाय था। इसके साथ साथ अपने पिता का बसाया बैंकिंग का कारोबार और ऊंचाइयों पे ले गए। व्यापार और सरकार वर्क इनकी कस्टम्स ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय और इनकम टैक्स की विद्या से प्रभावित रहे। इन ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को राय बहादुर के खिताब से नवाजा गया, जो कि आम बात नहीं है। इसके अलावा हसमुख अबीरचंद जी को दिल्ली के वाइसरॉय दरबार में मेडल प्रदान करके सरकार ने बहुत इज्जत दी। अठारह में अंग्रेज सरकार की बहुत मदद की। जबलपुर के पास सागर डिविजन में सप्लाईज पहुंचाने के लिए खुद की 3000 बैलगाड़ियां सरकार को भेज दी और ये ही नहीं 500 और गाड़ियों का प्रबंध करवा दिया। 10 लाख रुपयों के सरकारी बॉन्ड बाजार से खरीद कर आर्थिक मदद भी करी।
उस समय अंग्रेजी राज खत्म होने की पूरी संभावना थी, जिससे ये ढेर सारे पैसे महज कागज के मूल्यहीन टुकड़े हो जाते। बीकानेर में 1592 एडी में 4 डागा भाई आए थे, जिनके वंशजों से बना है ये डागा मोहल्ला। ये ऐतिहासिक दानखा, जिसे गैर बीकानेरी पेढ़ी, गद्दी, दुकान या कॉर्पोरेट ऑफिस के नामों से समझ सकते हैं, ये ही है RBBA यानी फर्म मेसर्स राय बहादुर बंसीलाल अबीरचंद की मेन ऑफिस। पंसारी यानी अनाज व्यापार का काम कई पुश्तों से चल रहा है, और इसके साथ साथ बैंकिंग का बिजनेस भी। ब्रिटिश हुकूमत में एक प्राइवेट बैंक होना बहुत फक्र की बात है। हिंदुस्तान में फर्म RBBA के ढेर सारे ब्रांचों में रुपए अकाउंट से निकाले जा सकते हैं, दूर दूर तक ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं, और हुंडियां यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करी जा सकती हैं। रास्ते के चोरी डकैती और लूटपाट के माहौल में रुपया एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाना भारी जोखिम का काम है। इस प्रगतिशील बैंक ने उस जमाने में एनी टाइम मनी यानी ATM का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। याद रहे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखी हुई रकम का यहां 5% सालाना ब्याज मिलता है, और यदि मॉर्गेज रख के रुपया उठाया जाए तो 6% इंटरेस्ट RBBA बैंक लेती है। इसके अलावा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सेवा बैंक की कई ब्रांचों में उपलब्ध है। मैं शुभलक्ष्मी गोपाल का, सर कस्तूर चंद डागा की आखिरी संतान की आखिरी संतान, यानी कि उनकी पोती। 1855 में जन्मे नन्हे कस्तूर चंद को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया जा रहा है। पिता राय बहादुर अबीर चंद जी के भाई रामचंद जी और राय बहादुर राम रतन दास जी, दोनों ही जो पुत्रहीन हैं, खानदान के चिराग युवा कस्तूर चंद पे जान छिड़कते हैं। सबकी नजर में बाबूसा कस्तूर चंद छाए हुए हैं, और इनका विशाल बिजनेस को संभालने की ट्रेनिंग अच्छे से चालू है। कम उम्र में मारवाड़ी का बच्चा व्यापार करने में लग जाता है, और ये भी आम बात है कि उसकी शादी हो गई होती है बाल अवस्था में। अपने देशवासियों की सेवा करने की प्रथा इस परिवार में ऐसी है कि कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10% ऑफ इनकम डोनेट किया जाता है। चाचा राम रतन दास जी ने अपने जीवन काल में 60,00,000 रुपए यानी कि साल 2017 के 1 trillion रुपीस दीन दुखियों और भक्तों के लिए दान किए हैं। महादानी कर्ण और राजा बलि की श्रेणी में गिने जाने वाले इस परिवार के कस्तूर चंद ने भी ऐसे उच्च कोटि के संस्कार पाए हैं। 1863 की चाचा की बनाई गई ये 18 कचेरी की इमारत बंगलोर में बुलंदी से खड़ी है। चाचा राम रतन दास जी ने लाहौर, रावलपिंडी, मियामीर और गुरदासपुर इलाकों में सरकारी खजाना संभालने का जिम्मा लिया है। जनता की जल पूर्ति के लिए बंसी सागर नामक तालाब लाहौर कैंटोनमेंट में बनाया है, और बीकानेर वासियों के लिए ब्रह्म सागर तालाब में योगदान किया है।
व्यवसाय के दाव पे पिता और चाचा बखूबी से सिखा रहे हैं। कुशलता से बड़ी जिम्मेदारी निभाने की तालीम और काम को पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ करने की आदतें डाली जा रही है। आखिर फर्म RBBA की तगड़ी गुडविल पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पिता अबीर चंद ने कामठी शहर को चुना है नए कारोबार स्थल के लिए। और कैसे जाना हुआ रेगिस्तान से विदर्भ? ना रेल की सुविधा, ना मोटर की, ना सड़कों की। 1250 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए है ऊंट, घोड़ा, बैल या अपने दो पांव। और कामठी में आए ये पहले माहेश्वरी, यानी कि कोई पहचान वाला ही नहीं है अपनी जाति का। ऐसी अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच मेहनत करके काम को जमाया गया है, भरपूर श्रम से, जिससे डागा डरते नहीं। सेंट्रल प्रोविंसेस यानी आज के विदर्भ और MP में बिजनेस और बढ़ाया जा रहा है। रायपुर, जबलपुर, सागर जैसे नगरों में काम अच्छा चलने लगा है। लाहौर से रंगून तक और फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी चेन्नई से जयपुर तक मैसर्स RBBA का बैंकिंग बिजनेस फैलता ही जा रहा है। हिंदुस्तान भर में ऐसी कोई बैंकिंग फर्म नहीं है जो इनकी बराबरी में है। बैंक चालू होते हैं और उतनी ही जल्दी बंद हो जाते हैं। सरकारी बैंक? अरे ब्रिटिश हुकूमत में कोई पब्लिक बैंक सेवा की योजना ही नहीं है। यहां तक कि लाहौर, पंजाब, जबलपुर, रावलपिंडी, रायपुर, सागर जैसे घने सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस के खजांची RBBA को बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ट्रेजरी की रखवाली की भारी जिम्मेदारी दी गई है RBBA को। अरे बाप रे, अभी खबर आई है कि पिता अबीर चंद जी अपनी हेड ऑफिस बीकानेर पहुंचने से पहले ही अड़ाई में गुजर गए हैं। चौबीस वर्ष की उम्र में कस्तूरचंद काफी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं व्यवसाय और परिवार की। कस्तूरचंद व्यवसाय की बारीकियां समझते हैं और अंग्रेजों से, रियासतों से और समाज से सीना तान कर साफ सुथरा काम कर रहे हैं। तभी तो फर्म और सेठ कस्तूरचंद की जय जयकार सब कर रहे हैं। बीकानेर रियासत ने फर्म RBBA को जकात और अन्य टैक्स भरने से मुक्ति दी है और खास सहूलियतें और सम्मान दिए हैं। सेठ कस्तूरचंद की चार घोड़ों की सवारी राजदरबार तक लाई जा सकती है। उनकी पत्नी को पैर में सोना पहनने की इजाजत मिली है और सेठ कस्तूरचंद को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा है रियासत ने। जनता के लिए प्याऊ, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, अनाथालय, पाठशालाएं, मार्केट, दवाखाने इत्यादि की स्थापना करने और चलाने में हमेशा उत्सुक रहा है ये परिवार। सेठ कस्तूरचंद ने बैंकिंग और ग्रेन मर्चेंट बिजनेस को और फैलाया है और साथ साथ उत्पादन के क्षेत्र में आ गए हैं। कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां,
कॉम्पोजिट टेक्सटाइल मिल, राइस मिल, ऑयल मिल जगह जगह पर खोल रहे हैं, जैसे कि चांदूर, हिंगन घाट, सिंधी, निजामाबाद, पूर्णा, पार्ली, लावा, सेलू, मुदखेद, नागपुर, हिंगोली, धर्माबाद, तिरुपुर, बालाघाट, वरोरा, वन, वरुड और बडनेरा। विदर्भ की भूमि से उनका खास लगाव है। अपनी ताकत पर और यहाँ के टॉप बिजनेसमैन जैसे कि सर मानिक जी दादा बॉय, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की पार्टनरशिप में ये एक के बाद एक कंपनी खोल रहे हैं। इससे जनता को रोजगार और सामान सामग्री दोनों का फायदा हो रहा है। इन्होंने नागपुर कामठी की इंडिया में सेंट्रल पोजीशन की अहमियत समझ के अपने कारोबार का हेड ऑफिस कामठी को बना लिया है। इस 24/7 एटीएम पे ताला नहीं लटकता है क्योंकि इसके द्वार कभी बंद नहीं होते। कामठी कैंटोनमेंट और नगर की उन्नति के लिए सेठ जी का विशेष ध्यान रहता है। पुलिस थाना के लिए जमीन चाहिए या क्लब के लिए, सराय की जरूरत हो, अनाथालय की या फिर मंदिर की या मरघट की, इन सब सार्वजनिक कामों में अपनी दूरदृष्टि से जो जरूरत लगी सो बना देते हैं अपने पैसों से, सरकार के लिए नहीं रुकते हैं। कामठी मारवाड़ी पंचायत का कारोबार देखने की जिम्मेदारी आरबीबीए के मुनीम को सौंपी गई है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाता है, लेकिन सेठ जी को अब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बना दिया गया है। खबरदार, उनके निर्णय पर फांसी हो सकती है। सेठ जी कामठी कैंटोनमेंट कमेटी के मेंबर तो थे ही, अब सेंट्रल प्रोविंसेस काउंसिल के भी मेंबर बना दिए गए हैं, यानी कि आज के एमएलए के समान हो गए हैं। और राय बहादुर का दूसरा खिताब अंग्रेज सरकार ने भी बख्शा है। पर त्यागमय व्यक्ति के लिए ये रिकग्निशंस किस काम के? सेठ जी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बीकानेर के काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज चलकर पूजा करने जाते हैं। मंदिर की हर जरूरत की पूर्ति करते हैं। कामठी में श्री जागनाथ महादेव जी का मंदिर बनवाया है। यहाँ आरबीबीए की गणगौर का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस हनुमान जी के जागृत मंदिर की आस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अड़ाई और बनारस में शिवालय स्थापित किए हैं। बनारस में जो हनुमान जी का मंदिर बनाया है, वहां से पंचकोसी यात्रा शुरू होने लगी है।
श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के मुख्य पट चांदी के बनवाए हैं। जबलपुर में बलदाऊ जी का मंदिर और रायपुर में गोपाल बगीचा नामक गोपाल जी का मंदिर समाज को भेंट किया है। श्रीरंगम, रामेश्वरम, मद्रास, रामटेक और कुराड़ी में धर्मशालाएं बनाई हैं। रावलपिंडी में कस्तूरचंद पार्क बनाया है। लाहौर में पीलिया यानी जॉन्डिस की दवा मुफ्त बांटी जाती है, जिसका फायदा हजारों पीड़ित हर हफ्ते उठाते हैं। गर्भवतियों की राहत के लिए कीमती कस्तूरी बंगलोर में मुफ्त बांटी जाती है। बीकानेर डागा पंचायत को पंचायती कार्यों के लिए जमीन दी है। सेठ जी काफी एक्टिव हैं इस पंचायत में, जिसकी मीटिंग नरसिंह जी के मंदिर में होती है। नरसिंह मंदिर के खजाने की चाबी भी उनके पास रहती है। दिन रात मेहनत करके कस्तूरचंद जी अपना राज्य बढ़ाए जा रहे हैं। जमींदारी बढ़ गई है। मैंगनीज और कोल की कई सारी माइनें सेंट्रल प्रोविंसेस में चांदा यानी चंद्रपुर, बलारपुर, घुगुस, शास्ती, चिरीमिरी, पिसगांव, खरसिंगी, रामडोंगरी, जूनावनी, पलासपानी, चादुर, चिखला, वारपानी, चखाईती, रामपेट, इरगांव, काछरवाही, बांडरबोरी, चारगांव, सातक, मानसर, चोरबावली, कहैरी, सीतापुर, सेलवा और गरियाजोर के इलाकों में चला रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में दुकानों के साथ मकान भी बना रहे हैं, जैसे कि गुंटूर, तेनाली, डच्चेपल्ली, जयपुर, वारासियोनी, कलकत्ता, तेजपुर और कानपुर। मारवाड़ी समाज के नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं। इनकी ईमानदारी, नेकी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और शासन नीति से व्यापार वर्ग, सरकार, इनके कर्मचारी और आम जनता सब प्रभावित हैं। जैसे जैसे समाज सेवा के काम में इनकी जरूरत पड़ती है, तो बिना झिझक और बिना फल की अपेक्षा किए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तभी तो अपने बल से 3,86,000 रुपए खर्च कर राजस्थान की पहली रेल अपने प्रिय बीकानेर में ला दी है। हालांकि बीकानेर में रेल स्थापना करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ये साबित करता है कितना प्यार है इनको बीकानेर वासियों और बीकानेर के लिए भी। देशभक्ति की जिंदा मिसाल है ये। हिंदुस्तान में और खास करके रेगिस्तान में अकाल पड़ते रहते हैं। इस साल बड़ा बुरा हाल है और बीकानेर की 30% जनता खत्म हो गई है। खाने को कुछ नहीं है। ऐसे में सेठ जी ने दरिया दिली दिखाई और अपने खानदान का नाम रोशन रखा है। एक तालाब का काम शुरू करवाया है, जिससे 10 महीने तक 650 लोगों को रोजगार मिल रहा है इस मुश्किल समय में। इस तालाब का नाम नरसिंह सागर अपने इष्ट देवता पे दिया गया है। कैसरे हिंद यानी कि पब्लिक सर्विस का मेडल मामूली लोगों को नहीं दिया जाता, पर सेठ जी कोई मामूली की गिनती में नहीं है।
अब की सूखा पड़ा है और 50,000 रुपए यानी कि 2017 के 40 करोड़ रुपए नकदी खर्च के अलावा 5,000 रुपयों का कपड़ा दिया है और 9 महीने के लिए गायों का चारा। सेठ जी की महानता सबको छू लेती है। राजा हो या प्रजा, क्योंकि वो दिखावाबाजी नहीं करते, अपनी सेवा का काम चुपचाप करते हैं। अगर कहीं पीड़ा निवारण की आवश्यकता है या सिस्टम में कमी है तो उसे पूरा करना अपना निजी फर्ज समझते हैं। अपने वतन के लोगों की तकलीफों को भाप लेते हैं। दीन और दलित और खास करके महिलाओं के विकास का उन्हें विशेष ख्याल है। कामठी के साथ साथ नागपुर के डेवलपमेंट पे भी फोकस है। किसानों की तकलीफ देखकर उन्होंने सर ट्रैडॉक के नाम से नागपुर रेलवे स्टेशन के पास अपनी जगह देकर मार्केट बनाया है, जो बाद में संतरा मार्केट कहलाने लगा। महाल में अपने पिता का बनाया हुआ दवाखाना चलाने में जरूरत अनुसार मदद करते रहते हैं। हर सार्वजनिक काम में इनका योगदान रहता है, खासकर शिक्षा के प्रति। इनकी आर्थिक मदद कई स्कूल और कॉलेज को बढ़ावा देती है, जैसे कि मॉरिस कॉलेज, नील सिटी हाई स्कूल, हिस्लॉप कॉलेज बोर्डिंग हाउस, सावनेर स्कूल इत्यादि। और इसके अलावा टाउन हॉल, कस्तूरचंद पार्क और कस्तूरचंद पवेलियन। बैंकिंग, पंसारी, माइनिंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सिल्वर एंड कॉटन बुलियन, गल्ला, जमींदारी इत्यादि के बिजनेस करते करते हिंदुस्तान भर में 120 शाखाएं हो चुकी हैं। लंदन के इंपीरियल बैंक में भी इनकी हुंडी और चेक ऑनर किए जाते हैं। ना टेलीफोन की सहूलियत, ना रेल और मोटर की, बिना मॉडर्न कम्युनिकेशन के भी हर शाखा में इनकी जबरदस्त हुकूमत है। अपने चुने हुए मुनीम यानी कि सीईओ को पूरा कंट्रोल तो दे रखा है, पर साथ साथ में एनुअल टारगेट्स भी। हर दुकान के मिडिल मैनेजमेंट का स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस स्टाफ की कंटिन्यूटी या डिसमिसल का डिसीशन उनके ट्रस्टेड मुनीम का ही होता है। सेठ जी की कामयाबी का राज ये भी है कि वो अपने मुनीमों की मर्यादा को अपनी मर्यादा समझते हैं। प्रत्येक गद्दी में मुनीम गुमास्तों को उस गद्दी के प्रॉफिट से एक आना यानी 6% भागीदारी देना प्रारंभ किया है। ईपीबी यानी कि एम्प्लॉई परफॉर्मेंस बोनस का कॉन्सेप्ट मेसर्स आरबीबीए ने इंट्रोड्यूस किया है। काम करने के सिस्टम अपने समय से आगे के हैं और शायद इनका साहस और दूरदर्शिता ही इनकी चमत्कारी तरक्की का राज रहा है। हैरत तो ये भी है कि एक साधारण शिक्षित इंसान किस तरह आसमां छू रहा है और बेशुमार रईसी और ऐशो आराम का हर साधन होते हुए भी एक सादा जीवन बिताता है। ना अपने पे फिजूल खर्ची, ना दुखियों पे कमी। सो
सौम्य और तेजवान चेहरे वाले कस्तूरचंद आदमी को तुरंत भाप लेते हैं और उनको बेवकूफ बनाना मुश्किल है। अपने मन की बात बगैर झिझक से कहते हैं और आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं। संगीत और रचनात्मक कलाओं के प्रति उनका झुकाव है। उनकी स्पॉन्सरशिप से ऐसे कई कार्यों को बढ़ावा मिलता है जिसका फायदा जनता उठा रही है। सेठ जी ने बॉम्बे में अपने मित्र और बिजनेस पार्टनर मथुरादास गोकुलदास के पास रहने के इरादे से अपना मकान कस्तूर निवास उनके करीब ही बनवाया है। चौपाटी की शीतल समुद्री हवा उनको और उनकी पत्नी लेडी अमृतबाई डागा को भाने लगी है। बॉम्बे भी उनकी दरिया दिली से वंचित नहीं है और जन विकास के कार्य में अव्वल स्थान बना लिया है। दान पुण्य की पहली रकम लिखने के लिए महादानी कस्तूर चंद डागा को यहाँ भी आमंत्रित किया जाता है। सेठ जी ने बॉम्बे में भी अपनी समाज सेवा शुरू कर दी। उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय की स्थापना की पहल की और यहाँ भी उनका नाम ट्रस्टीज की पहली सूची में है। Their Majesties, Prince and Princess of Wales के हिंदुस्तान आने पर दिल्ली में आलीशान उत्सव मनाया जा रहा है। सेठ जी को दिल्ली दरबार में द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का मेडल दिया जा रहा है और दीवान बहादुर घोषित किया जा रहा है। वैसे तो ये सम्मान देश के उच्चतम अधिकारियों के लिए ही होता है। इस ऐतिहासिक अवसर पे पूरे इंडिया के हूज हू मौजूद हैं। उनकी संवेदनशीलता की हद इस समय दिखाई देती है जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को खुद से पीछे स्थान दिए जाने पर उन्होंने अंग्रेज सरकार से अपनी वेदना जाहिर की और महाराजा साहिब को अपने से आगे स्थान दिलवाया है। इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में चंद मिनटों में सरकार प्रोटोकॉल बदल के सेठ जी की बात रख लेती है, इस बात से उनकी प्रेस्टीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीकानेर के प्रति वफादारी और इज्जत अफसाई का प्रमाण इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। चाहे प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1905 में इन्हें लाहौर दरबार में बुलाया हो या फिर देयर मैजेस्टीज किंग जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार में उन्हें आमंत्रित किया हो या फिर बीकानेर नरेश और अन्य राजाओं से और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स से गहरी आत्मीयता हो, ये सब बातों से इन्हें अहंकार नहीं हुआ है। ना देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर के खिताब से, ना अपनी असीम धन संपत्ति से। कोई और इनके स्थान पे हो तो आराम और मजे की जिंदगी में खुश रहता। तरक्की और बढ़ोतरी तो छोड़िए, काम करने की आवश्यकता ही क्या है। ये महान पुरुष 1917 में चले गए। इस मौके पर शोक जताने बीकानेर नरेश महाराजा गंगा सिंह जी खुद इनकी बीकानेर हवेली तशरीफ लाए।
सर कस्तूरचंद डागा ने अपने चारों पुत्र राजा सर विशेसर दास, राय बहादुर नरसिंह दास, सेठ बद्रीदास और सेठ रामनाथ को अपने विचारों और कर्मों का उदाहरण बना छोड़ा। उनके परिवार ने उन्हीं की तरह बहुत समाज सेवा करी है और उनका नाम और काम जिंदा रख छोड़ा है। सेठ जी की बनाई योजनाओं और इच्छाओं के अनुसार नागपुर वासियों की भलाई के लिए कई कार्य पूरे किए हैं। उनकी मृत्यु के बाद डागा हॉस्पिटल, जो एक मॉडल गायनेकोलॉजिकल अस्पताल है, लेडी अमृतबाई डागा कॉलेज फॉर गर्ल्स और मॉडल मिल्स लिमिटेड का काम संपूर्ण किया है। बारह एकड़ का ये पब्लिक पार्क कस्तूरचंद पार्क कहलाता है। सेठ जी का ही बनाया हुआ सर कस्तूरचंद पवेलियन को घेरा हुआ है ये पार्क। सत्ताईस में सेठ जी की याद में उनके परिवार और मित्र सर मानिक जी दादा भाई ने मिलके इसी पार्क में उनकी सुंदर मूर्ति की स्थापना की है। तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंक स्लाई ने सेठ जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए इस युग पुरुष का खूब यशोगान किया है। 2017 में नागपुर के मेयर ने उनकी डेथ सेंटेनरी ईयर को कोमेमोरेट करने के लिए इसी कस्तूरचंद पार्क में एक हाई प्रोफाइल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सर कस्तूरचंद डागा के योगदान से नागपुर कामठी के समान हिंदुस्तान के कई शहरों की जनता को सहूलियतें मिली हैं। बीकानेरी कहावत है, गरजे सो बरसे नहीं, बरसे घोर अंधार। सर कस्तूरचंद डागा का जीवन इस कहावत को चरितार्थ करता है कि वे हरदम अपना कार्य बिना ढोल पीटे करते रहे। सर कस्तूरचंद डागा अमर रहे।